ये तो मुझे 26 नवंबर की 26 नवंबर का जो हमला हुआ था उसकी याद आ गई। तो ऐसे हमले तो मैं तो मार्च में नहीं बर्दाश्त करूंगा। नहीं, विरोध तो होगा क्योंकि जिस तरीके से जो बात अपने देश में नहीं होनी चाहिए वो हुई है, और इसके लिए जो भी जिम्मेदार है वो चाहे वहाँ के पुलिस हो, तो पुलिस का कर्तव्य बनता है जिन लोगों ने हमला किया ढूंढो और सजा दिला। महाराष्ट्र में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम यहाँ बैठे हुए हैं और मैं मेरे महाराष्ट्र के जितने सारे युवा और युवती है उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ, उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी बात मैं महाराष्ट्र में नहीं होने दूंगा और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तो सीधी मांग कर रहा हूँ कि नकाब के पीछे जो भी चेहरा हो वो सामने आना चाहिए। तो फिलहाल मैं इस तरफ या उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, और जिसने भी हमला किया उनको तो सजा होनी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में तो मैं कुछ होने नहीं दूंगा। यहाँ के युवा और युवती को डरने की कोई आवश्यकता नहीं। कल की घटना को लेकर वैसे मैंने कहा है कि किसी को भी, किसी नागरिक को मैं उसका अधिकार किसी को भी छीनने नहीं दूंगा।